एबीपीएस न्यूज गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद शाहजहांपुर के ब्लॉक खुटार में स्थित पिपरिया वीरसिंहपुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 7 किलोमीटर है। लगभग 3,000 की आबादी व 1,200 वोटरों द्वारा सोनपाल सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 302 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 16 हैंडपंप लगाए गए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दूर करने के लिए गांव में विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 118 इज्जत घर व 5 लोहिया आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 75 इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। पाल सिंह प्रधान, पिपरिया ग्राम पंचायत, पिपरिया वीरसिंहपुर, थाना खुटार, ब्लॉक खुटार, तहसील पुमाया, जिला शाहजहांपुर का। वीरसिंहपुर में गाँव में समग्र से काम हुआ है, ठीक है, समग्र से काम हुआ है। कमरे भी बने हैं, सीसी रोड भी बना है, लैटरिने 118 बनी हैं। हमारी ग्राम पंचायत में खड़ंजा, बनाली और कमरा 75 कमरा बनने चाहिए, यही हमारी सरकार से मांग है। और स्वास्थ्य केंद्र और 10 नल, पंचायत में पानी निकलने के लिए नाली, बड़ी नाली बनाई जाए जिससे गांव का दरिद्र दूर हो जाए। कि जैसे प्रधानों का मानदेय बहुत कम है, क्योंकि ब्लॉक, उप तहसील, जिले पर जाकर उसमें क्या होता है 2500 रुपये में। आजकल कम से कम मानदेय जो है वो 15,000 से कम नहीं होना चाहिए।